Assalamu alaikum class, my name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor or principal of microeconomics, ICON 1111 from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. आज हम पढ़ेंगे पिछले लेक्चर्स को हम थोड़ा सा और न्यूमेरिकल तरीके से करेंगे. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन द केस ऑफ वन वेरिएबल इनपुट इन द शॉर्ट रन. एम्पिरिकल एग्जांपल उसकी हम करेंगे, जिसको अगर हम क्लास में होते तो क्लास एक्टिविटी करते. बहरहाल इसकी बेस पे हम एक असाइनमेंट्स भी हो सकता दे दें. तो ये चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. ये हम अपने छठे वीक के जो तीन लेक्चर्स थे उसमें दूसरे लेक्चर्स में हमने ये बात की थी कि प्रोडक्ट कर्व क्या होती हैं, टीपीपी कर्व क्या होती है, एपीपी कर्व और एमपीपी कर्व क्या होती है. हमने एक्स इनपुट यानी कि लेबर इनपुट्स ली और वाई उसके क्रॉस्पॉन्डिंगली वाई आता रहा. देखें, ये वाई का और एक्स का डाटा तो किसी भी फर्म से लिया जा सकता है. अब आपका काम है कि एपीपी और एमपीपी निकालना, ठीक है. तो ये आपके पास एक एपीपी आ गया, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी. इसको जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो इनके दरमियान एक रिलेशन जो है वो आपको एक नज़र आ रहा है कि जहाँ पे टीपीपी मैक्सिमम हो वहाँ पे एमपीपी ज़ीरो होती है और उसके बाद जो एमपीपी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है और आउटपुट डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. दूसरा एक रूल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट, और ये हमारा जो हमने पिछले लेक्चर में कहा था उसमें ही ये शो हो रहा है कि एज वी आर इम्प्लाइंग वन मोर यूनिट ऑफ द इनपुट्स, कि जैसे जैसे हम इनपुट्स लगाते जाएंगे तो एक थ्रेशोल्ड लेवल पे जाके, पहले देखें इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट था, तो ऐसा होता है कि एडिशनल आउटपुट जो होती है एडिशनल लेबर लगाने से आउटपुट डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. यानी कि जो मार्जिनल आउटपुट है वो डिमिनिशिंग या कम होना शुरू हो जाती है. और ये भी एक आप कह सकते हैं कि वी अज्यूम दैट के जो मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी विद द इम्प्लाइंग ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द इनपुट. और हमने उस ग्राफ में देखा था कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे वो कर्व नीचे को झुकी होती है ना टीपीपी कर्व की, उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि एट दिस पॉइंट उसके बाद उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जो एमपीपी की है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि उसके बाद आउटपुट जो एमपीपी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. उसके बाद जैसे जैसे आप लेबर लगाते जाते हैं तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. डिमिनिशिंग मार्जिन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ दैट इनपुट इज यूज. तो ये डिपेंड भी करता है कि वो आपकी फर्म जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है. तो बहरहाल मोस्टली टिपिकल प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उसमें हम ये कहते हैं कि हमने कितनी इनपुट्स लगाई, अगर हम और इनपुट्स कितनी लगाएंगे तो हमारी जो है वो दैट इज सेट डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी, के मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी सेट हो जाएगी किस इनपुट लेवल तक. वो हमने बात की है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है. इन जनरल वी अज्यूम दैट डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी, हम जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज अ डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी, कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है विद इम्प्लाइंग वन मोर यूनिट ऑफ द इनपुट्स. और वो हमने टेबल से देखा भी था. और भी है, और इसकी वजह ये थी कि डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी के जो थॉमस माल्थस ने 19 सेंचुरी में ओवर पॉपुलेशन की वजह से कहा था कि जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन होती जाएगी लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जाएगी. आप इसी को इस एग्जांपल से ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो मैंगो की एग्जांपल मैंने दी. अब जितनी जितनी वो ज़्यादा लेबर लगाते जा रहे हैं, अब कंट्री लेवल पे भी देखें तो माल्थस ने ऐसा ज्यूम किया था कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जाएगी लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जाएगी, क्योंकि फार्म तो फिक्स हैं, तब तो इतनी मशीनरी नहीं होती थी, तब तो फैक्ट्रियां नहीं ज़्यादा होती थी. उसके जहन में थॉमस माल्थस के जहन में तो एग्रीकल्चर ही था, तो वो लैंड तो फिक्स ही होनी थी,
अब उस लैंड के ऊपर जितनी हम आउटपुट ले रहे थे, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में है, तो आप चार बंदे वो जितने बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, गांव के लोग ज्यादा करते हैं, तो वो होता क्या है, वो आउटपुट तो उतनी रहती है, राइट। लेकिन लेबर पहले चार बंदे थे, आप पांच बंदे काम कर रहे हैं, छह कर रहे हैं, सात कर रहे हैं, आठ पूरी फैमिली कर रही है, तो उससे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम हो जाती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हम ये नहीं कह सकते कि लेबर जो है वो, बट चेंज इन द मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर टाइम इज आल्सो डिपेंड ऑन द चेंज इन अदर इनपुट सच एज कैपिटल, को लेबर जो है वो कैपिटल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। और जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा कि जिस तरह हम एक टीचर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो जो कैपिटल होता है, लैपटॉप होते हैं, मल्टीमीडिया होते हैं, जो आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक फार्म के ऊपर अगर पांच बंदे काम करें, हो सकता है अगर कैपिटल हो तो उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करे, तो वो नीड टू कंसीडर FLK। बहरहाल ये इट्स नॉट योर कंसर्न। हम जब भी लेबर की बात करते हैं तो उसका कैपिटल के हिसाब से भी हम देखते हैं, डेरिवेटिव देखते हैं, क्रॉस डेरिवेटिव देखते हैं, और वो ऑफन ग्रेटर देन ज़ीरो आता है। जब आप कैपिटल के हिसाब से लें तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो इसलिए आता है कि कैपिटल लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। इसके बाद हम टू इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं कि अगर एक्चुअली है तो ये एक ही इनपुट, तो जैसे वन इनपुट केस में हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, तो हम ये आपकी एग्जांपल 9.1 है। सपोज दैट द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर फ्लाइस वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू इज अ फंक्शन ऑफ KL 600 K² L² - K³ L³। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा। इससे सबसे पहले आपने क्या करना है, MPL और APL निकाल लेनी है। वी मस्ट अज्यूम दैट वैल्यू फॉर K, और ये भी गिवन है कि लेट K इज इक्वल टू 10। हमने कैपिटल भी फिक्स कर दिया कि 10 मशीनरी है। तो जब ये K की वैल्यू ऊपर हम L में K में डालेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में डालेंगे, तो आपके पास Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू अब 10 को जब आप K के अंदर डालेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यानी कि 10 स्क्वायर हो जाएगा। जब 10 का स्केयर लें तो 100 होता है, 100 को जब आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 60,000। इसी तरह जब दूसरा माइनस के बाद के क्यूब है, के की जगह आप 10 डालें तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, तो क्या आ जाएगा, 1000 L³। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मोर और लेस गिवन होगी, कि ये इन्फॉर्मेशन की बेस पे हमने आगे MPL यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमने निकालनी है। तो जब हम मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालें, तो आपको मैंने क्या कहा, ग्राफिकली तो हमने कहा था स्लोप क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आपने जो पिछले मैंने कहा था कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक चीज आपको आनी चाहिए, वो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने कंजम्पशन साइड पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था। तो MPL या MPPL वो क्या है, करली क्यू ओवर करली एल या चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन एल। तो उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या था, एल के ऊपर 2 था, 2 को आपने 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो 120,000 आ गया, माइनस तो वो 1000 था, एल के ऊपर 3 था, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3000 आ गया, एल स्क्वायर आ गया, तो ये आपका MPPL आ गया, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आ गई। अब मैंने कहा था मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को सेट इक्वल टू जीरो कर देना है। हमारा मकसद क्या है कि हमने मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है कि वो कितनी है, तो उसके लिए क्या है, स्लोप इक्वल टू जीरो होगी। आप उस ग्राफ के ऊपर देखें जहां पे मैंने कहा था TPP मैक्सिमम होगी, उस TPP के ऊपर जाके खड़े हो जाएं, अगर वो एक स्लोप हो, अगर वो एक स्लोप मतलब एक पहाड़ी इलाका हो, तो पहाड़ी इलाके के ऊपर जब एंड पे चले जाते हैं ना आप, जहां पे मालम जब्बा पे जाए, तो उसकी टॉप की चोटी पे चले जाए, तो एक स्टेप आप आगे जाए तो खाई में भी गिर सकते हैं वैसे, या पीछे जाए तो जो ऊंचाई कम होगी, एक स्टेप आगे जाए या एक स्टेप पीछे आए, यानी कि वो जो TPP कर्व थी, कर्व स्लोप जो थी, आपने TPP कर्व टिपिकल जो आपको मैंने कहा था कि जो TPP कर्व है
आप वहां पे जहां पे टीपीपी मैक्सिमम होगी उसकी स्लोप जीरो होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने एमपीएल पहले क्या करना है, आपने एमपीएल निकालना है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालनी है और उसको सेट इक्वल टू जीरो कर देना है। 120,000 एल माइनस 3,000 एल स्क्वायर सेट इक्वल टू जीरो। तो 3,000 जो है जब दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है ना, वो तो एल स्क्वायर हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो 1,20,000 से 3,000 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 40। एल एल से भी कैंसिल हो जाएगा, एल एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे एल रह जाएगा, एल इज इक्वल टू 40। तो लेबर इनपुट बियॉन्ड एल 40 रिड्यूस आउटपुट। उसके बाद 40 के बाद अगर आप 41 लेबर लगाएं या 39 लेबर लगाएं, आप अपना जो क्यू फंक्शन है जो पीछे निकाला है, जो पीछे क्यू फंक्शन दिया हुआ है ना, 60,000 एल स्क्वायर माइनस 1,000 एल क्यूब, इसमें 40 डालें, 41 डालें, 39 डालें, आप देखेंगे कि एट पॉइंट ऑफ 40 ये मैक्सिमम होगा। उससे आगे पीछे क्या हो जाएगा, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक चीज हमारे पास ये आ गई कि जहां पे स्लोप जीरो हो, जहां पे स्लोप जीरो हो वहां पे टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। और किस इनपुट लेवल पे ये मैक्सिमम है, ये व्हेन एल इज इक्वल टू 40, जब आप लेबर 40 फ्लाई स्वेटर की फैक्ट्री में रखेंगे तो आपको सबसे मैक्सिमम आउटपुट आएगी। और ये आप काउंटर चेक कर सकते हैं, राइट। एक तो हमने यहां पे निकाल ली एमपीपीएल या एमपीएल, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमने निकाल ली, और वो कितनी है, एट दिस एल इज इक्वल टू 40 आउटपुट इज मैक्सिमम, बियॉन्ड एल इज इक्वल टू 40 आउटपुट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अच्छा, अब हमने दूसरे नंबर पे क्या करना है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकालनी है। हमने पहले भी वी होल्ड के कांस्टेंट, और उसमें हमने क्या निकाल लिया, जब हमने वो 60,000 एल और 1,000 एल स्क्वायर, और ये आपके पास क्योंकि के इज इक्वल टू 10 जो आपके पास आ जाता है, उसमें आपके पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। आपने सिंपली क्या करना है, एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दें। तो जब नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड किया तो पीछे क्या था, 60,000 एल स्क्वायर माइनस 1,000 एल क्यूब, उसको जब आपने एल से डिवाइड किया था तो क्या आ गया, एल एल से कैंसिल हो गया और पीछे क्या रह गया, 60,000 एल माइनस 1,000 एल क्यूब था, अब एल से डिवाइड हो गया तो एल स्क्वायर रह गया। लेकिन हमने ये भी तो चीज चेक करनी है ना कि वेयर एपीपी रीच एट मैक्सिमम। एक और भी मैं आपको असूल बता दूं कि जब आपको कहा जाएगा ना कि एट विच पॉइंट एपीपी इज मैक्सिमम, एट विच पॉइंट टीपीपी इज मैक्सिमम, एट विच पॉइंट एमपीपी इज मैक्सिमम, तीन चीजें हैं। एट विच पॉइंट टीपीपी इज मैक्सिमम, आपने टीपीपी का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। एट विच पॉइंट एपीएल इज मैक्सिमम, आपने एपीएल का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। आपने अगर कहा जाए एट विच पॉइंट एमपीपी इज मैक्सिमम, तो आपने जो पहला डेरिवेटिव लिया था क्यू का, उसका फिर दूसरा डेरिवेटिव यानी कि एमपीपी का फिर से डेरिवेटिव ले ले लें, तो वहां पे आपको एमपीपी मैक्सिमम आ जाएगी जो हमने ग्राफिकली किया था, राइट। तो ये आपके पास आ गया, जब एपी एपीएल मैक्सिमम फाइंड करना है तो एपीएल का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, 60,000 एल के ऊपर ताकत 1 है, 1 माइनस 1 0, और जिसकी पावर 0 हो वो 1 आता है, तो 60,000 के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस जो एल की पावर 2 है उसको 1,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2,000 आ गया, माइनस 2,000 एल, और इसको किसके इक्वल कर देना है, सेट इक्वल टू 0। तो जब आप इसको मैथमेटिकली क्रंच करेंगे तो एल इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। यानी कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जब पहले देखें हम ना, हमारा मकसद था आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, तो हमने कहा कि L इज इक्वल टू 40 हो तो आउटपुट मैक्सिमम होता है। अब हमने देखना यह है कि कहां पे लेबर की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब हमारा वहां पे ऑब्जेक्टिव यह नहीं है कि आउटपुट कम है या ज्यादा है, हो सकता है वो ट्रेनिंग फर्म हो,
तो जहां पे एल इज इक्वल टू 30 होगा वहां पे लोगों की एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसको आप पिछले लेक्चर के टेबल में भी चेक कर सकते हैं। तो एक चीज हमने निकाल ली एमपीपीएल और एपीपीएल, ठीक है। अब अगर आप देखें व्हेन एल इज इक्वल टू 30, एल जब 30 हो, आप अपने प्रोडक्शन फंक्शन में निकाल के देख लें, एमपीपीएल में डाल के देखें एल इज इक्वल टू 30 और एपीएल में डाल के देखें, दोनों का आंसर सेम आएगा। और हमने देखा ना था कि एमपीएल जहां पे एमपीपी एपीपी मैक्सिमम हो वहां पे वो एमपीपी के इक्वल होती है। फिर अगेन कह रहा हूं, जहां पे एपीपी या एपीएल मैक्सिमम हो, आपने वो ग्राफ बनाया था ना एपीएल का, तो जहां पे उसकी जो वो जो जैसे उनका हम होता है ना वो जलवान सी, जहां पे वो एपीएल मैक्सिमम है उस पॉइंट से एमपीपी क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल जहां पे वो था एपीपी मैक्सिमम था, एपीएल मैक्सिमम था एल इज इक्वल टू 30 पे, तो लाजमी बात है इस पॉइंट पे एमपीपी और एपीएल इक्वल होगा। आप एल इज इक्वल टू 30 एपीएल में डाल के देख लें और एल इज इक्वल टू 30 एमपीएल में डाल के देख लें, आंसर दोनों का 900,000 आएगा। और आप उस ग्राफ में भी देख लें कि दोनों कर्व कट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो अगर हम और भी सिंपलीफाई फॉर्म में देखें जो हमने ग्राफ बनाए हैं, तो एक तो हमने टीपीपी निकाला और टीपीपी में हमने कहा ये गिवन है, पिछली सारी स्लाइडों का निचोड़ है ये, एल इज इक्वल टू 40 और कहाँ पे है वेयर एमपीपी जीरो, तो एमपीपी जीरो कहाँ पे है, वो डार्क नीचे नज़र आ रहा है ना एमपीपी जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे 40 लिखा हुआ नीचे वाले ग्राफ में, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे आपके पास 40 है, इस पॉइंट पे आपके पास क्या आता है, आपके पास टीपीपी मैक्सिमम होता है जहाँ पे एमपीपी जीरो हो। और एमपीपी कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है, चेंज इन टीपीपी और चेंज इन एक्स, यानी कि आपने टीपीपी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह जब आपने एपीएल निकाला, ये पिछली सारी दो जो न्यूमेरिकल एग्जांपल की समरी है, 60,000 एल माइनस 1,000 एल स्क्वायर जब आपने निकाल लिया तो क्या आ गया आपके पास, एल इज इक्वल टू 30 वेयर एपीएल, यानी कि एपीएल का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया और उसको सेट इक्वल टू जीरो कर दिया, तो वो कितना आपके पास आ गया, वो आपके पास 30 आ गया। एट एल इज इक्वल टू 30 क्या होगा, आपकी एपीपी मैक्सिमम होगी। तो देखिए एपीपी मैक्सिमम है ना, तो यहां पे एमपीपी के साथ कट कर रही है। और क्या है, अब देखें कि जहां पे ये 30 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 40 से पीछे को आए तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 30। तो 30 क्या है, इस पॉइंट पे एपीपी मैक्सिमम है और इट इज इक्वल टू एमपीपी। और तीसरा हमने जो पिछले स्लाइडों में नहीं किया वो ये है कि आपने एमपीपी देखना है कि एमपीपी कहां पे मैक्सिमम है। तो मैंने क्या कहा था, जब आपने ये देखना हो कि एट विच पॉइंट द थिंग इज मैक्सिमम, उसका डेरिवेटिव ले ले, तो यहां पे एमपीपी जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसका फिर से डेरिवेटिव ले लेना है, तो वो आपके पास आ जाएगा करली एमपीपी और करली एल, और क्या आ जाएगा 120,000 माइनस 6,000 एल, और जब आप सेट इक्वल टू जीरो करेंगे और 6,000 को 120,000 से डिवाइड करेंगे तो एल इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे एल इज इक्वल टू 20 एट दिस पॉइंट एपीपी एमपीपी इज मैक्सिमम, और ये वो 20 है, ये वो एल इज इक्वल टू 20 है जिसके बाद लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। एट व्हाट लेवल ऑफ एक्स डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन, एट व्हाट लेवल ऑफ एक्स की जगह अगर एल कर ले
does the law of diminishing return set in? It sets in where MPP reaches maximum. तो वो कौन सा है? L is equal to 20. Thus at x is equal to 20, the law of diminishing return sets in. तो ये हमारे पास आ जाता है, हमने जो numerical example की, इसको हमने graph के ऊपर भी show कर दिया. Thank you very much class. This is all about this week's lectures. हमने इस वीक्स में 3 लेक्चर्स दिए और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने देखा है और इसको इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये किस तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल के प्रोडक्शन करते हैं और किस तरह एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर्स है लेकिन मैंने इनको 3 में लेक्चर में कवर कर दिया है. इसके फ़ौरन बाद हम जो 3 लेक्चर्स देंगे वो कास्ट के ऊपर होंगे, फिर हम सप्लाई साइड पे चले जाएंगे. वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मूविंग ऑन. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना एंड वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.